फ्रेंड्स अब मैं पहुंच चुका हूं यहां पे मणिकरण गुरुद्वारे का। ये व्यू दोस्तों मणिकरण गुरुद्वारे से जो कि आपको सिर्फ यही मिलेगा। नियर बाय एक ATS कैफे है, आप वहां भी घूम सकते हो। सुबह सुबह उठ के 7 बजे आंख बंद करके इसको ऐसा बजाना पड़ेगा। गाइस अब निकले हैं लंच कर करके अपने जो कसोल कैंप जो हमारा अकोमोडेशन पॉइंट है वहाँ से। अब ये मैं जा रहा हूँ मणिकरण जो कि 3 किलोमीटर यहाँ से मैप के अकॉर्डिंग है और ये उसी का ही व्यू है सामने रास्ता। मणिकरण का रास्ता थोड़ा सा नैरो हो जाता है। फ्रेंड्स अब मैं पहुंच चुका हूं यहां पे मणिकरण गुरुद्वारे के पास जो कि पार्किंग है पीछे और थोड़ा सा 100-200 मीटर आपको पैदल जा कर के नीचे से रास्ता जाता है तो गुरुद्वारे के दर्शन करेंगे गुरुजी के, फिर आगे सोचेंगे कि क्या करें। ये व्यू दोस्तों मणिकरण गुरुद्वारे से जो कि आपको सिर्फ यही मिलेगा। ये दोस्तों नेचर का कमाल है जो कि मणिकरण में ही दिखाई दे सकता है आपको। इतना गर्म पानी जो कि नेचर से नेचुरल आ रहा है और ये हर टाइम आता है यहाँ पे, किसी भी सीजन में आप जाएंगे। और ये पार्वती रिवर इसके साथ साथ में बह रही है और गर्म पानी का कुंड भी है अंदर जो मैं वीडियो में दिखाया भी है, ये आगे मैं डाल दूँगा। तो ये पार्वती रिवर के एकदम साथ में बहुत ही अच्छी जगह पे है और बहुत ही हाइट पे ये मणिकरण गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। और ये लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ, पार्वती रिवर साथ में बह रही है, तो आप ज़रूर जाइएगा एक बार को दोस्तों। अगर कसोल साइड या मनाली साइड आप जाए तो आपको अच्छा एक धार्मिक स्थान गुरुद्वारा जो कि आपको बहुत फील देगा, एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी का फील देगा, तो आप एक बार को जरूर जाइएगा यहाँ पे गुरुद्वारा मणिकरण साहिब। गाइस अगर आप गुरुद्वारा साहिब मणिकरण आ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो बिल्कुल कुंड बना हुआ है इसमें गर्म पानी है, गर्म पानी आता है हमेशा, इसमें आप नहा सकते हैं। यहाँ से स्नान करके आप आगे दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, ऐसे भी करते हैं कुछ लोग, यहाँ पर नहाते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। दोस्तों इस खाने के सामने 5-स्टार होटल का भी खाना आपको ठीक नहीं लगेगा क्योंकि इतना टेस्ट है, कढ़ी देखने में लग सकती है आपको लेकिन टेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छी कढ़ी है। और इसमें हमें ये एक वेजिटेबल मिली है, गोभी की सब्जी है जो भी अच्छी है। आप मणिकरण गुरुद्वारे में आएंगे तो ये जरूर खा के जाइएगा, आपको भूख भी ना हो थोड़ा सा एक बार को टेस्ट जरूर करके जाइएगा। ये गुरुद्वारे के अंदर ही होट केव बनाई गई हुई है दोस्तों, गर्म गुफा जिसे लिखा भी है यहाँ पे सामने, गर्म गुफा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो पूरा जो फर्श भी है और पत्थर भी है अंदर, तो सब कुछ गर्म रहता है पूरा। मैं भी अंदर गया था इसमें और पूरा गर्म रहता है, इवन कि आप तो चलना भी मुश्किल है ऐसा, इतना गर्म है यहाँ का सरफेस फर्श वगैरह, ये इतना गर्म है। अभी ये जो मैं रास्ते से जा रहा हूँ ये अंदर जाने का ही रास्ता है इसमें गर्म गुफा में, ये यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये एंट्री यहाँ से होती है और थोड़ा सा ही है वैसे अंदर, तो इसमें रास्ते से अंदर जा कर के दूसरा रास्ता है जो बराबर में ही वहाँ से निकल आते हैं। ये पत्थर भी यहाँ के बहुत ज़्यादा गर्म है और अगर देखो आंटी ने अभी जैसे अगर बैग में पेन वगैरह है उसके लिए भी शिकायत कर सकते हैं आप। ऐसे देखो ये गर्म पत्थर है दोस्तों, अब मैंने
ऐसे किया बैक में बिल्कुल। कितनी ये छोटा सा जो रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन ये चीज सरफेस इसका बहुत ज्यादा गर्म है दोस्तों, पैर भी जल रहे हैं यहाँ पे। कसोल को दूसरे नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे मिनी इजराइल भी बोलते हैं कुछ लोग यहाँ पे। वो क्यों? क्योंकि इजरायली लोग यहाँ पे बहुत रहते भी हैं और यहाँ पे ट्रेवल भी करते हैं इजरायली लोग, अब टूरिज्म पर्पज से भी और कैसे और तरीके से भी। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और काफ़ी अंडररेटेड जगह है वैसे ये, तो यहाँ पे एक से दो दिन के लिए आप अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हैं। फैमिली भी आती है, ये नहीं कि फैमिली नहीं आती, बैकपैकर्स आते हैं। और जब लद्दाख का सीजन चलता है इवन, तो यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है लद्दाख के टाइम पे, बहुत बैकपैकर्स या ट्रैवलर बहुत रुकते हैं इधर आकर के। और ब्यूटी तो है यहाँ पे, ये देखिए, आपको मैं कैमरा घुमा के कहूँगा कि दिखाइए, ये बराबर में जो पार्वती रिवर है अभी सूखी हुई है थोड़ा सा इस साइड से, लेकिन वो जो वो वाला पोर्शन है इसमें वहाँ पे पानी बहुत सारा है पार्वती रिवर का, जो कि यहाँ पे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन में आता है। और इसके आसपास की जगह पे मनाली है, मनाली यहाँ 75 किलोमीटर के करीब है। आपका मणिकरण है जहाँ पे मैं रुका हूँ, यहाँ से मणिकरण 3 किलोमीटर दूर है, वो भी अच्छी वो बताते हैं विलेज यहाँ पे। और तो यहाँ पे नियर बाय एक ATS कैफे है, आप वहाँ भी घूम सकते हो, साइड में पार्वती रिवर का आपको आनंद मिलेगा देखने का। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, वहाँ पार्वती रिवर बिल्कुल पास से जाती है आपके सामने से। यहाँ तो पार्वती रिवर अभी सूख चुकी है, पानी कम है पीछे से, लेकिन यहाँ पे जब आप पिक सीजन में आते हैं तो यहाँ पर भी पानी होता है पार्वती रिवर में, फ्रंट में हमारे। दोस्तों ये पार्वती रिवर तो बहुत फेमस जगह है और अच्छी भी लगती है। इसके पास आप अगर आप आए तो इसके पास ही लीजिए आप कोई अपना स्टे का, बहुत सारे स्टे पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे, अकोमोडेशन के लिए कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप किस सीजन में आ रहे हैं तो वो आप डिपेंड करता है कि भी क्राउड में या जो ऑफ बीट सीजन होता है उसमें आ रहे हैं, तो आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा अकोमोडेशन। फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है 6 बजे और कसोल में बिल्कुल रात हो चुकी है, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कि रात के बज गए हो 11 या 12। और गाड़ियां तो आती जाती रहती है टूरिस्ट की, वैसी लोकल्स नहीं निकलते शाम के टाइम। अब यहाँ पे पास में जा रहे हैं कि मार्केट बताई है किसी ने, मार्केट है यहाँ पे, लोकल प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी है। क्या चीज़ है भैया ये आपका प्रोडक्ट? ये मेडिटेशन बॉल। मेडिटेशन बॉल, बॉडी और दिमाग को अच्छा फिटनेस देता है। अच्छा, चलने में ज़्यादा थकावट नहीं होती इसको करने वाले को, बोलने में ज़्यादा दिमाग भारी नहीं होता, सर में दर्द नहीं होता है। अच्छा, पेट में खाना हजम करता है ये, इसलिए इसको कहते हैं मेडिटेशन, कि माइंड को टेंशन से बचाता है इसका साउंड से, जो इसका साउंड निकलता है ऐसे ही बजाना जैसे मैं बजा रहा हूँ। अच्छा, सुबह सुबह उठ के 7 बजे आँख बंद करके इसको ऐसा बजाना पड़ेगा। अच्छा भाई, ये ऐसे चलता है, मेडिटेशन के लिए ये भैया ने बताई है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप मनाली साइड में कसोल आए, मनाली आए, हर जगह मिलता है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। मुझे अभी थोड़ा सा चलाना कम आ रहा है, लेकिन भैया ने अभी अच्छी तरह बताया था ये चलाना कैसे है।